इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, महामंत्री विजेंद्र जैन कोषा अध्यक्ष शेखर जैन, प्रधान चक्रेश जैन, सचिव नीरज जैन, मंदिर मैनेजर पुनीत जैन। भारत की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर क्षेत्र का अति प्राचीन और अतिशयकारी है। मंदिर जी के बारे में बताया जाता है, सन 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासन में सैनिक रामचंद्र को झाड़ियों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा प्राप्त हुई और ये वही प्रतिमा थी जिसे रामचंद्र अपने स्वप्न में देखा करता था। प्रतिमा मिलने के बाद रामचंद्र ने अपने घर में विधि विधान से प्रभु को विराजमान कर श्रद्धा भाव से नियमित पूजन अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु पूजा करने के लिए शाहजहां के अन्य सैनिक भी वहां आने लगे और पूजन एवं नगाड़े के साथ आरती करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया था। इसके बाद सन 1878 में इस मंदिर का लाल पत्थरों से नवीनीकरण किया गया, तभी से ये लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शहर के बीचों बीच बसा ये मंदिर आज भी जैन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर जी में आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य जैन प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं दर्शन कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। शांति धारा कराने के लिए एक दिन की नछावर राशि 2100 रुपए है, जो कि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक डिटेल्स एक्सिस बैंक, चांदनी चौक, दिल्ली, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी। अकाउंट नंबर 2540101000134, IFSC कोड UTIB 000254 एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें लाल मंदिर ऑफिस 0114654 2214। ओम नमः, ओम नमः, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भारत के राजधानी दिल्ली में सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लाल मंदिर है। लाल किले के सामने, लाल किले के समय में बना हुआ यह मंदिर जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत के देशना देने वाले ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का यह मंदिर है और इसमें 2400 भगवानों के मूर्तियां विराजमान हैं और पूरे देश से, विदेश से जैन जैनेतर लोग यहां दर्शनार्थ आते हैं। भगवानों ने, 24 तीर्थंकरों ने विश्व कल्याण का उपदेश दिया और स्वयं उस मार्ग में चले, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये शांति धारा करते हैं। महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो उठने वाले विचार हैं वो व्यक्ति को अशांत कर देते हैं और उसको शांत करने के लिए ये शांति धारा ध्यान का काम करता है। एकाग्र चित्त होकर के देखते हैं तो मन एकाग्र होता है, तन मन चेतन को आनंद और शांति का लाभ मिलता है। महानुभाव, मेरा मंगल आशीर्वाद है कि सभी लोगों को शांति धारा देखना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए। यही यहाँ के पंचायत के ट्रस्टी लोगों को, सभी लोगों के लिए मेरा मंगलमय आशीर्वाद। आज के शांति धारा के पुण्यार्जन परिवार हैं पदमचंद जैन, मुकेश चंद जैन, हितेश जैन, आकांक्षा जैन सूरत से। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय, द्वादश गण परिवेशिताय, शुक्ल ध्यान पवित्राय, सर्वज्ञाय, स्वयंभुवे सिद्धाय, बुद्धाय, परमात्मने परम सुखाय, त्रैलोक मही व्याप्ताय, अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय, सिद्धाय, बुद्धाय, त्रैलोक्य वशंकराय, सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणे धरणीन्द्र फणा मंडल मंडिताय, ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय, घातिकरम विनाशनाय,
अघातिकरम विनाशनाय अपवायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेतालशाकिनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीरे शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेटकर वटमट्टम पतंद्रोन्मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वस्त्रम वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वादित्येभ्यो नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व शाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम रह असी औसा अरम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु वशर्ट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवन् जिनेन्द्रः जबले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर अक्षय क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली का अद्भुत अलौकिक अध्यात्म का केंद्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर अक्षय क्षेत्र। यहाँ की भव्यता, यहाँ की मूर्ति मूल नायक 1000 श्री पार्श्वनाथ अत्यंत चमत्कारी अक्षयकारी। आप भी यहाँ पर आएं और अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ के दर्शन अवश्य कराएं। आप यहाँ पर शांति धारा के पुण्यार्चक भी बन सकते हैं, अवश्य कार्यक्रम के भी पुण्यार्चक बन सकते हैं, जिसका प्रसारण जिनवाणी चैनल पर प्रातः 8:20 पर किया जाता है। आप एक दिन के पुण्यार्चक बन सकते हैं, 15 दिन के और एक माह के भी बन सकते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ धन इस तरह के कार्यों में, जो कि ये कार्य अनवरत रूप से संचालित होते रहते हैं और देश विदेश में लाखों लोग भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन अब से एक शांति धारा का कार्यक्रम का लाभ उठाकर पुण्य का वर्धन कर सकते हैं, जिसमें आपके द्वारा दिया हुआ द्रव्य उसमें सहभागी बनता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, किसी न किसी परिस्थिति के कारण मंदिर नहीं आ पाते हैं, या अस्वस्थता है, या विकलांगता है, या कोई किन्हीं कारणों के कारण नहीं आ पाते हैं, तो आपका ही योगदान होता है, आपकी ही सहभागिता होती है कि वो घर बैठे धर्म का लाभ करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं। हमें आज के नाम प्राप्त हुए हैं श्रीमान संजय जी शाहदरा दिल्ली निवासी, साथ साथ 15 दिन की शांति धारा के नाम प्राप्त हुए हैं पदमचंद जी, मुकेश चंद जी, हितेश चंद जी, आकांक्षा छाबड़ा सूरत निवासी, उन्हीं के पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। यहाँ के मूल नायक 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान अत्यंत सौम्य चमत्कारी मूर्ति है, आप भी जरूर एक बार इस मंदिर में पधारें। जय जिनेन्द्र बंधु। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषा अध्यक्ष शेखर जैन, प्रधान चक्रेश जैन, सचिव नीरज जैन, मंदिर मैनेजर पुनीत जैन।